ये बनाई जा रही है आलू की चटनी। आज बनाई जाएगी आलू की चटनी। आलू मैंने उबाल रखे हैं, लहसुन है, मिर्च और लून मैंने कूट रखे हैं। आलू कूटूंगी मैं और फिर छोक बनाऊंगी। आलू की चटनी लाई वर्गी ही हो जाए। आलू मैंने कूट लिए हैं और गेरूंगी मलासी। आलू में कहा आलू की कटोरी ले ली। पाया तो प्रसिद्ध पिज्जा होगा आलू। यहाँ बनाई जा रही है रोटी 306 गेहूं की रोटी जो कि सिर्फ हाथ तई बेली जाए बेलन की उसकी कोई जरूरत नहीं। चिकन हाथ की पोह में तीन सौ छः गेहूँ की रोटी मखाण में भी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और रोटी बनाने में सिर्फ हाथ तय बेल ली जाए चकले बेलन की कोई ज़रूरत नहीं। जा चकले बेलन तो बेला तुम्हारा टेडी बंगी हो जाए रोटी है सुतरी कौन अरे ये बढ़िया बदे हाथ ते हैं खान में भी तो स्वाद में ही फर्क है। मेसी रोटी है
पानी फिर मेरा गर्म हो गया है, इसमें डाल दूं मैं तेल। यो तेल पका हुआ तेल है, ज्यादा अलग गाल रखा है। तेल मेरा गर्म हो गया है, जीरा जमीन कुंडे में कूट रखी है चटनी, जीरा हो गया है। गैस मन मंदी करती है, सारी गाल दूंगी। थोड़ी ही हल्दी, थोड़ा हा गरम कुंडी मालू कूटे, जब आज नमक को भूल गए थे तो थोड़ा हम नून गिर देंगे। इसमें लासी गिर जाएगी है, जब छोका जब इसमें थोड़ी ही हला जाने ये वाला लासी पाक जाएगी और चटनी गई है बने। ये गैस न कर दूंगी बंद, कल बारिश हुई थी, ये ऊंचा था इधर और इनका पानी उतर गया है और आज बाल्टी से भरूंगा इनको और फिर ज्वार की बिजाई हो जाएगी इसमें टोटल में, वो उधर भी है ये है। और बारिश हो जाएगी तो और बढ़िया है, लेकिन बारिश नहीं भी होगी तो भी ज्वार की बिजाई करनी है इसमें।
यहाँ नाली से भर के ले जा रहा हूँ। उधर भी होगा, मेरा पापा लगे हुए हैं, वहाँ भी है कुछ। इस ये देखो, ये अंकल बिल हो गया था बारिश के बाद। शाम को मेरे पापा आ गए थे खेत में और उन्होंने संभाल लिया आगे, नहीं तो टोटल पानी खेत का उतर जाता है। ये देखो यहाँ तो उतर भी गया। इस किले की नुड़ाई हो गई थी और वो बच्चा है, उसके भी कर देंगे अब, पहले उसी में लगेंगे जैसे ही मौसम, ये ज़मीन आएगी नुड़ाई के ऊपर। यहाँ ऊंचा था ये, थोड़ा उधर डाल दिया मिट्टी, यहाँ इस तरफ ऊंचा था, ये मिट्टी यहाँ डाल दी है। अब इसमें ज्वार की बिजाई करी जाएगी और इन पौधों को उस साइड इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हो गए तो यहाँ तक ज्वार बिजाई करेंगे इस ड्योल तक।